हाँ हम कट्टर वाजपेयी हैं, जाके गांव में पूछ सकते हो आप। हर योजना में हमने खुल के समर्थन किया है। बीजेपी का मेरा परिवार है ना, पूरा सपोर्टर है। आप चाहे गांव में जाके पूछ सकते हैं इस बात को। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है, हमने मोदी का चेहरा देके वोट दिया था। हमें ये नहीं पता था कि ये होगा हमारे साथ। आप बन के साथ खड़े हैं? हाँ मैं उनके साथ खड़ा। दोनों में क्या है? मेरा परिवार, मैं, मेरा गांव, मेरा देश सारा उनके साथ खड़ा। वो संसद में गए हैं, लोग आपको बताया था घर पर? नहीं, जिस टाइम वो संसद में गई है, जब वो अरेस्ट हुई है, तब हमने मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो अरेस्ट हो चुकी है दिल्ली के अंदर। हमें कोई पता नहीं था। हमें वो हिसार स्टडी कर रही थी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेज ले रही थी। हमने तो वो पढ़ने के लिए हिसार छोड़ रखी थी पीजी में। आपसे क्या कहा था कुछ दिन पहले या आसपास की कुछ कार्रवाई होने वाली है या कुछ आंदोलन में जाने वाली है किसी के साथ में? नहीं, इस मुद्दे पे हमारा कोई बात नहीं हुई, ना उसने कभी बोला मुझसे। बस 11 तारीख को फोन आया था उसका, उसने बोला था मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो उसने बोला था कि माँ को दवाई दिला लाए। मुझे लगा कि हाँ दवाई लाए, अब घर जा रहे हैं। बस ये दो बात हुई थी, वो भी मेरी वाइफ से हुई थी, वो तो हमसे भी नहीं हुई। अच्छा, क्या उनकी स्थिति कैसी थी जब वो सफर में, जब कहीं जीव से पहले क्या थी? वो ठीक ठाक थी बिल्कुल, पढ़ाई में भी ठीक थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी, घर भी आती जाती थी, ठीक ठाक थी। नौकरी के लिए क्या बात करती थी घर में वो परिजनों से? नौकरी के लिए तो यही करती कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कई फार्म भर लिए, उसका जो एक्सट्रैक्ट का जो वो था वो भी एक्सपायर हो गया था, वो भी उसने 2 तारीख को दोबारा दिया है पेपर, वो भी 5-6 साल हो गए थे उसको, फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दिया था तो वो भी एक्सपायर हो चुका था उसका, अब दोबारा पेपर दिया उसने। जिनके साथ नाम जुड़ रहे हैं उनके 3-4 लोग हैं, सागर शर्मा वगैरह या झा वगैरह, क्या इनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी सिस्टर की? हमें उसका तो पता नहीं कि उसके मेरी सिस्टर की उनसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। वो ना तो कभी घर पे आए, ना हमें कभी उनके मुंह से ये सुना कि मैं उनको जानती हूँ, ये क्या नाम है उनके। हमें तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ये लोग हैं, नहीं हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। FIR में क्या क्या बताया पुलिस ने, क्या क्या धारा लगाई है? UAPA की भी बात चल रही है सामने। सिर्फ UAPA का तो पता है, और FIR कॉपी नहीं मिल रही अभी तक। एडवोकेट साहब ने सुरेश चौधरी को, मैं आज भी उसकी तारीख थी तो मैं यही देखने के लिए आता, मैं हाउस के तो मैं मिल सकूं, ना तो मिलने दिया जा रहा, ना FIR कॉपी देने लग रहे। जो संसद में घुसे हैं वो सारे लोग, क्या उनको किस तरह देखते हैं आप, क्या सही काम किया उन्होंने? नहीं, जो उनका तरीका था वो मैं अभी भी गलत मानता हूँ, और पहले भी यही बोला था मैंने कि वो तरीका गलत है। ठीक है, उनकी आवाज थी जो उन्होंने उठाई है, जिस मुद्दे पे उठाई है वो ठीक है, जायज है, लेकिन जो उन्होंने किया है संसद के अंदर वो मैं आज भी गलत मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए संविधान खतरे में, संविधान बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगा, बेरोजगारी को लेकर के, आप कैसे देख रहे हैं? बेरोजगारी का तो सभी को पता है कि कितनी तो इस सरकार में रोजगार है, कितने को मिले कितने को नहीं मिले हैं। जो युवा हमारे गाँव के अंदर भी देखता हूँ मैं, जो जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की कर रहे थे, जैसे आर्मी के वो ही ना अग्निवीर आई थी, जो अग्निपथ आई थी, तो उसमें ना अधिकांश बच्चों ने तो रेस में रनिंग करनी, एक्सरसाइज करनी ही छोड़ दी। अब सड़क पे देखते हैं हम गिने चुने 5-7, 5-4 बालक मिलते हैं बस हमें। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम रामनेश है और मैं दूध का काम करता हूँ। अच्छा, दूध व्यापारी हैं आप? नहीं, दूध का व्यापारी नहीं, मैं दूध की डायरी है मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सर क्या लग रहा है सिस्टर का भविष्य कैसे देखते हैं आप, उन पे FIR हो गई, UAPA के तहत कार्रवाई भी होने जा रही है? नहीं, हमें सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो भी हो न्याय प्रणाली के हिसाब से हो, कम से कम जो उनके राइट है, जो हमारे राइट है, कम से कम वो तो हमें मिलने चाहिए। हमें FIR कॉपी मिलनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। हमें मिलने की इच्छा थी, हमने बोला था कि एप्लीकेशन लगाई, हमने 2 बार एप्लीकेशन लगा ली कोर्ट में, ना हमें मिलने दिया जा रहा है। नहीं, अब UAPA कार्रवाई जो है अनलॉफुल होती है, इसमें बड़ी कार्रवाई चलेगी, जेल जा सकते हैं, तो फ्यूचर कैसे देखते हैं आप सिस्टर का? आप फ्यूचर तो जो उन्होंने किया है मेरे हिसाब से तो ठीक किया है, बाकी उनकी फ्यूचर। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से बस यही मांग हमारी, जो भी कार्रवाई हो, हमें नए प्रणाली पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उनको एक स्टूडेंट के हिसाब से देखना, मैं सोच रहा हूँ कि सरकार को ना स्टूडेंट के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन बात ये कि 22 साल पहले उसी तारीख को, 13 दिसंबर को आतंकवादी हमला हुआ था, आपकी बहन और उनके साथी जो हुए वो 22 उसी तरीके की बरसी थी संसद के उस दिन की बरसी। नहीं, हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं था, मैं तो खुद को ही पता नहीं था। लेकिन कहा गया कि बहुत प्लानिंग की गई थी, रेकी की गई थी और 4 अलग अलग स्टेट के लोग थे, ये क्या साजिश थी आतंकवादी? जब तक हमारी उनसे भेंट नहीं होती तब तक इस बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे कोई पूछेंगे नहीं भाई क्या बात थी, ये क्यों किया आपने,
तब तक तो हम भी कुछ भी नहीं बोल सकते। आपसे आपकी मुलाकात हुई आपकी बहन से? नहीं, मुलाकात नहीं, मिलने नहीं दे रहे। लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी दी जाए जो संसद में घुसे लोग। वो कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये इन्होंने भगत सिंह वाला काम किया है, किसकी सुनेंगे हम? हमें तभी बोल रहे हैं कि नए प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आप बहन के साथ खड़े हैं? हाँ, मैं उनके साथ खड़ा। दोनों ने क्या है? मेरा परिवार, मैं, मेरा गांव, मेरा देश सारा उनके साथ खड़ा। कुछ लोग पर्चे चिपका रहे हैं उनके समर्थन में कि उनने अच्छा काम किया, समर्थन में आ रहे हैं कुछ लोग। जो उनके विचारों से प्रेरित हैं वो आएंगे समर्थन में। लेकिन रोजगार मांगना, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो एक अलग मुद्दा है। संसद में जाकर के खतरा बन जाना सांसदों के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ना, जहाँ तक मैंने सुना है, इन्होंने कई जगह यापन भी दिए हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी किए हैं बेरोजगारी को लेके, किसानों को लेके, मजदूरों को लेके, लेकिन कहीं भी इनकी आवाज नहीं सुनाई ली, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कोई फिर इन्होंने इनकी बहरी सरकार की है ना, जो कान खोलने का काम किया है, जो भगत सिंह और ने किया। राहुल गांधी ने कहा है कि जो हुआ है ये बेरोजगारी और महंगाई के कारण है, आपकी बहन को समर्थन दिया है? हम ना तो राजनीति में उसमें कोई इंटरेस्ट है हमारा, ना हमें चाहिए। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो भगत सिंह के विचारों से प्रेरित थी, जितने भी वो जो संसद में किया है, नीलम है, चाहे उसके साथी है या कोई भी है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथी है या नहीं है वो, तो हम उनको जानते भी नहीं। आप विपदा में हैं इस टाइम, आपकी सिस्टर अंदर चली गई हैं, तो आसपास कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, वो किस तरह से बात करते हैं आपकी सिस्टर को लेकर या आपको लेकर? जो घर पे आते हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा भी आया था, वो भी समर्थन में है, मजदूर यूनियन भी समर्थन में है, हमारा गाँव भी समर्थन में है, सभी वैसे तो हमारे समर्थन में है। ऐसे तो कोई कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली के हिसाब से। मैसूर में जब घटना घटी थी, जो उनके पिता का जो है खाना पानी हुक्का पानी सब बंद कर दिया, आपका गांव के साथ है, आपके समाज आपके साथ है? नहीं, मेरे को मैसूर में घटना के बारे में कोई पता। मैसूर के जो साथी थे आपकी बहन के, जो अन्य आरोपी है, जो और अन्य आरोपी है कर्नाटक से, उनके उनके गांव के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, बहुत दिक्कत हो रही है उनके परिवार को। आपके साथ क्योंकि आपकी बहन भी संसद में मुझे शामिल थी, तो क्या आपके साथ कैसे हो रहा है? आपका समाज आपके साथ खड़ा है या नहीं? नहीं, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, पूरा देश खड़ा है हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमें किसी ने कोई वो अपराधी की निगाह से देखा अभी तक। गाँव हमारे सपोर्ट में खड़ा है, समर्थन में खड़ा है, किसान मोर्चा हमारे समर्थन में खड़ा है, और मजदूर जो यूनियन है वो हमारे समर्थन में खड़ी है, और पंजाब से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके, वो भी समर्थन में खड़े हैं, और हर रोज कोई ना कोई संगठन हमारे घर आता ही रहता है। कि ये लोग जो है कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए थे, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा, लोग लिख रहे हैं। नहीं, इल्जाम लगाने तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आज तक मैंने खुद अपने हाथ से बीजेपी को वोट दिए हैं, और बीजेपी का मेरा परिवार है ना पूरा सपोर्टर है। आप चाहे गांव में जाके पूछ सकते हैं इस बात को, हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है, हमने मोदी का चेहरा देके वोट दिया था, हमें ये नहीं पता था कि ये होगा हमारे साथ। तो पुराने वाजपेयी हैं आप मतलब? हाँ, हम कट्टर वाजपेयी हैं, जाके गाँव में पूछ सकते हो आप। हर योजना में हमने खुल के समर्थन किया है। तो नेता आपके समर्थन में आया हो आपकी बहन के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बीजेपी के? नहीं, ना बीजेपी के आए हैं। आपने तो वोट दिया उनको? हाँ, वोट दिया हमने, कोई नहीं आया है। तो आप भविष्य कैसे देखते हैं सिस्टर का? शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पैसा, क्या लग रहा है फ्यूचर में अब? वो तो जब रिहा होगी वो तो बाद की बात है, वो तो तब की बात है, वो देखते हैं बाद में। फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लगता है कि भविष्य सही रहेगा? अगर इसकी आवाज देश की आवाज बन के उठेगी तो मेरे को तो अपने देश का ही भविष्य चमकता दिख रहा है। यहाँ पहलवान बेटी बैठी थी जंतर मंतर पर, तो पूरे देश की बेटी आई थी उसका समर्थन में। आपकी बहन के लिए कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं? मेरी खुद बहन आई थी समर्थन में पहलवान के जंतर मंतर पे। आप ये चाहे उसके सोशल अकाउंट से उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, जंतर मंतर पे भी वो आई थी पहलवानों के समर्थन में। ये हमें अभी पता चल रहा है ना। आपकी बहन देश की बेटी बन पाएगी लग रहा है आपको? देश की बेटी तो है ही, जब ठीक है टाइम लगता है इन कामों में, सब इकट्ठा होंगे, जब को ये पता चलेगा कि ये इन्होंने ठीक किया है तो सब आएंगे। घर का कैसा माहौल है? माँ बाप, भाई बहन क्या सोचते हैं बहन के बारे में? कुछ नहीं, जैसे मेरे विचार है वैसे उन्हीं के विचार है। भगत सिंह को मानते हैं आप? हाँ, भगत सिंह को मानते। लेकिन भगत सिंह तो आजादी के हो रहे थे ना, आप ऐसा तो देश में कुछ ऐसा है नहीं, लोकतांत्रिक देश है, बात है। नहीं, एक बात आओ, आप आजादी के लिए लड़े थे, ये भी आजादी है एक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है इसमें, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता,
किसानों को आपने बताया, देखा 13 महीनों के बाद ये मिला है कि उनका ये आंदोलन सफल हुआ है। महिलाओं को देख लो, आप पहलवानों को देख लो, लेकर के उनको कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी अधिकारी है, सरपंच है, कुछ भी है, उनको सिर्फ लाठीचार्ज करते हैं बस। ये तो आप दो बार मोदी जी को वोट दिए थे? हाँ, दो बार दिए, मैंने खुद वोट दिए। तो खट्टर को कितनी बार दिए? खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री तो खट्टर ही है, उन्हीं को दिया था ना वोट। लेकिन हमने है ना मोदी जी का फेस वैल्यू देख के वोट दिया था, हम कट्टर तो जानते भी नहीं थे। सही तो काम कर रहे हैं मोदी जी, देश मजबूत हाथों में। मजबूत हाथों में कैसे है, आप ये कैसे बोल सकते हैं मजबूत हाथों में है? अगर मजबूत हाथों में होता तो जो नौजवानों ने ये हरकत की है, ये संसद में जो किया है, ये करने की नौबत ही नहीं आती। अगर बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती, तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। तो बहुत सारे लोग हैं सर देश में बेरोजगार, क्या संसद में घुस जाएंगे सारे लोग? सभी की आवाज उठाई है उन्होंने, सभी की आवाज उठाई उन्होंने। क्या साहब की सिटिंग समर्थन में आ रहा पूरा देश? हाँ आएगा, हमें विश्वास है आएगा। ठीक है तो धन्यवाद।